स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस की 98 में। और अभी तक आपका कितना क्वेश्चन हो चुका है? टोटल कंप्लीट 420, ठीक है, 420 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। मतलब सेट कितना, 14 सेट हो चुका है, ठीक है। और आज आपका सेट 15 स्टार्ट होगा, 15 सेट स्टार्ट होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सेट में आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, ठीक है, खासकर न्यूमेरिकल मिलेंगे और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। तो गाइस रेडी रहिएगा और पेन और पेपर लेके बैठ जाए, ताकि आप अपने आप को जज कर पाए कि कितना आपका करेक्ट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको पेन और पेपर लेकर बैठना है, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सेट कितना है आज का? सेट 15। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एक प्रकाश वर्ष लगभग बराबर होता है, वन लाइट ईयर इज इक्वल टू, कितना होगा? ऑप्शन क्या दिया है? 10^11 किलोमीटर, 10^15 किलोमीटर, 10^13 और 10^ कितना, 18 दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताएं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सबसे पहले क्या होता है, एक लाइट ईयर कितने का बराबर होता है? 9.461 × 10^12, ठीक है। ये आपका क्या होता है, वन लाइट ईयर के बराबर होता है। वन लाइट ईयर इक्वल टू कितना होता है? 9.461 × 10^12 किलोमीटर। अगर हम लोग इसको अप्रोक्स में लिखे तो क्या होगा, ये हमारा क्या है, 10, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 10 × 10^12, तो 10^13 क्या होगा, किलोमीटर, ठीक है गाइज। 9.461 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अप्रोक्स 10 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है आपको, अप्रोक्स वैल्यू दिया गया है, ठीक है, इंटीजर में दिया गया है, पॉइंट में नहीं दिया गया है। तो 9.461 को क्या लिख सकते हैं, 10, और 10^12 था तो कितना हो गया, 10^13 किलोमीटर। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, 10^13 किलोमीटर, इसको नोट कर ले। और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पानी का घनत्व तो 1 g/cm³ हो तो एसआई सिस्टम में इसका मान क्या होगा? ये आपका क्या है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन भी है, वन लाइनर क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। ऑप्शन क्या दिया गया है, ऑप्शन क्या दिया गया है, 1 kg/m³, 100 kg/m³, 1000 kg/m³ और लास्ट में क्या है, 0.1 kg/m³। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सीजीएस में हमारा क्या होता है, सभी को मालूम होना चाहिए, क्या होता है, 1 g/cm³, ठीक है गाइस। और एसआई में क्या होता है, 1000 kg/m³, ये होता है, आप इसको नोट कर ले, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी, 1000 kg/m³। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय प्रवाह की एसआई इकाई क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ऑप्शन के अनुसार चेक करना है, ठीक है, चुंबकीय प्रवाह की एसआई यूनिट क्या है। ऑप्शन क्या दिया है, वेबर, वेबर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर इनटू, ठीक है, और लास्ट क्या दिया है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए, वेबर, वेबर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चुंबकीय प्रवाह। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसी तरह क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है, इसको क्या बोलते हैं, चुंबकीय प्रवाह। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, वेबर। और सीजीएस में भी पूछा जाता है तो क्या होता है, मैक्सवेल कहते हैं, मैक्सवेल। एसआई में वेबर होता है और सीजीएस में मैक्सवेल होता है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, सतह तनाव की एसआई इकाई, द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन सबसे पहले हम लोग समझेंगे, सरफेस टेंशन क्या होता है। सरफेस टेंशन के कारण ही किसी भी बूंद, जैसे ड्रॉप हम लोग कहते हैं, ड्रॉप, किसी भी ड्रॉप का साइज शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, ठीक है, स्फेरिकल। इसका रीजन क्या है, सरफेस टेंशन। स्फेरिकल क्यों होता है, सरफेस टेंशन के कारण होता है, सरफेस टेंशन, सतह तनाव। ये सब क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है, सतह तनाव क्या होता है, इसका सबसे मुख्य कारण क्या है, ये किसी भी
शेप का एरिया को क्या करता है, कम करता है, ठीक है। इसका काम क्या है, एरिया को कम करना। और सबसे कम एरिया किसका होता है, स्फीयर का होता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं ड्रॉप का साइज कैसा होता है, स्फीयर होता है, ठीक है, स्फीयर होता है, ना कि रेक्टेंगल और ट्रायंगल, ये सब नहीं होता है, स्फीयर होता है। इसका सबसे मेन रीजन है सरफेस टेंशन। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में क्या आता है कि किसी भी बूंद यानी ड्रॉप का शेप स्फीयर क्यों होता है, किसके कारण होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सरफेस टेंशन के कारण होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, एसआई यूनिट पूछा गया सरफेस टेंशन का। तो सरफेस टेंशन को हम लोग एस से या टी से डिनोट करते हैं, ठीक है, थीके? इसको नोट कर लीजिएगा, सरफेस टेंशन को हम लोग एस से या तो टी से डिनोट करते हैं, दोनों से डिनोट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है गाइस, फोर्स पर यूनिट लेंथ, यह हमारा सरफेस टेंशन होता है। तो क्या होगा, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, सभी को मालूम है, और लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो न्यूटन पर मीटर क्या हो गया आपका, एसआई यूनिट हो गया। ऐसे यूनिट निकाला जाता है, पहले फॉर्मूला लिखेंगे उसके बाद उसका यूनिट बैठाएंगे, सरफेस टेंशन का यूनिट निकल जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, न्यूटन पर मीटर। अगर यही सीजीएस में पूछता तो क्या कहते हैं, डाइन पर सेंटीमीटर, बहुत ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 न्यूटन के 5 समान बल एक बिंदु पर लगाए जाते हैं तो सभी एक समतल पर है, ठीक है, यदि उनके बीच का कोण समान हो तो उन पर लगने वाला बल का परिमाण क्या होगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इसको इक्विलिब्रियम के जैसा हम लोग को समझना है। इक्विलिब्रियम क्या होता है ये भी समझना है। तो इक्विलिब्रियम इसका मतलब क्या होता है, बैलेंस है, क्या है, बैलेंस कंडीशन में है, बैलेंस्ड कंडीशन में है, ठीक है। तो जब भी हमारा बैलेंस कंडीशन में रहेगा तो क्या होगा, फोर्स हमेशा क्या होता है, नेट फोर्स हमेशा जीरो होता है, नेट फोर्स हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। ये बात हमेशा आप लोग याद करके रखिएगा कि कभी भी कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो या बैलेंस कंडीशन में हो तो नेट फोर्स हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। जैसे मान लिया जाए ये एक वस्तु है, नीचे इसको क्या किया गया, एक डेस्क के ऊपर रख दिया गया है, तो इसका जो वेट होता है वो कहाँ काम करता है, नीचे काम करता है, वेट बराबर क्या होता है, एम जी होता है, सभी को मालूम है। और नॉर्मल फोर्स कहाँ काम करता है, ऊपर काम करता है, इसको रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं। तो यदि ये इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, बैलेंस कंडीशन में, तो नेट फोर्स क्या होगा, एन माइनस डब्ल्यू, एन माइनस क्या होगा, डब्ल्यू, मतलब इन दोनों का क्या होगा, डिफरेंस होगा। डब्ल्यू माइनस एन भी कर सकते हैं, डब्ल्यू माइनस एन भी कर सकते हैं, कौन बड़ा है उसके हिसाब से किसका मान ज़्यादा होगा। अगर इक्विलिब्रियम में है तो दोनों का मान क्या होगा, सेम होगा, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा इसको याद रखिएगा, किसी भी सिस्टम में अगर फोर्स का अमाउंट जितना भी दिया गया हो, अगर वह इक्विलिब्रियम में है तो क्या होगा, नेट फोर्स हमेशा जीरो होगा, ठीक है। यहाँ से फोर्स लग रहा है, यहाँ से फोर्स लग रहा है, ये सभी फोर्स लगाया जा रहा है, और क्या है, ये सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में, तो एफ कितना होगा, हमेशा जीरो होगा नेट फोर्स। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, जीरो न्यूटन, ठीक है, जीरो न्यूटन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक 5 रुपए के सिक्के में, सिक्के को गौरायक का पक्षी, देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, ठीक है, तीन कंडीशन दिया गया आपको, एक 5 रुपए का सिक्का है, ठीक है, 5 रुपीज कॉइन, गौरैया का पक्षी और एक आम, गौरैया के पक्षी का एक पंख और एक आम, तीन चीज आपको दिया गया है, ठीक है, और ये क्या है, तीनों एक ही हाइट से गिराया गया है, ये हाइट है, सेम हाइट है, सेम हाइट से आपको क्या किया गया है, 5 रुपीज कॉइन, पांच रुपए का सिक्का, गौरैया पंछी का एक पंख और क्या दिया गया है, एक आम, ये तीनों चीज क्या किया गया, एक हाइट से गिराया गया है, तो सबसे पहले कौन ग्राउंड को टच करेगा, ये पूछा गया है। यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत बार आता है, ठीक है, दो चीज दिया जाएगा, तीन चीज दिया जाएगा, आपको बताना है कि तीनों में से सबसे पहले ग्राउंड को कौन सा, कौन टच करेगा, कौन छुएगा, यानी मतलब सबसे पहले कौन गिरेगा। ये क्या है हमारा, 5 रुपए का सिक्का है, ये क्या है, गौरैया पंछी का पंख है, मतलब एक पंख है,
ठीक है, ये पंख है और ये क्या है, हमारा आम है, ठीक है। तो सबका वेट क्या है, अलग अलग है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। इसका टाइम क्या है T1, इसका टाइम T2 और इसका T3 दिया गया है। अगर तीनों को एक साथ गिराया जाए किसी भी एक निश्चित हाइट से, एक निश्चित हाइट से गिराया जाए, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी वस्तु को एक निश्चित हाइट से गिराया जाए जमीन की तरफ तो क्या होगा, तीनों का टाइम क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, सेम समान समय पे क्या होगा, ये ग्राउंड को टच करेगा, मतलब ये तीनों क्या होगा, इक्वल होगा, T1 बराबर T2 बराबर T3, ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। जैसे मान लिया जाए ये क्या है, पेन का कैप है, ठीक है, और ये पेन है, अगर दोनों को एक सेम हाइट से गिराया जाए नीचे की तरफ तो दोनों का टाइम क्या होगा, समान होगा, ठीक है, इसको नोट कर ले, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, जड़त्व द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान का अनुपात बराबर होता है, रेशियो कितना होगा, दोनों का रेशियो पूछा गया है। द रेशियो ऑफ इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास, तो इनर्शियल मास क्या होता है, ग्रेविटेशनल मास क्या होता है, आप लोग इसको नोट कर ले। जैसे मान लिया जाए कोई वस्तु है, इसका मास क्या है, एम है, और इसका एक्सीलरेशन कितना है, ए है, तो इसमें फोर्स कितना लगता है, एफ बराबर एम इंटू ए, तो ये हमारा क्या होता है, इनर्शियल मास, इसे हम लोग कहते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या हम लोग कहते हैं, दो वस्तु के बीच में अगर फोर्स काम कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये मास क्या होता है हमारा, ग्रेविटेशनल मास। तो दोनों का रेशियो क्या होता है, दोनों का रेशियो हमेशा वन होता है, इसको नोट कर लीजिएगा, रेशियो क्या होता है, हमेशा वन। ग्रेविटेशनल मास और इनर्शियल मास का रेशियो कितना होता है, वन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिक है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षमता सबसे ज्यादा अधिक कहां पर होता है, तो इसको पहले नोट कर लीजिए, इसको समझना बहुत जरूरी है। पृथ्वी को हम लोग गोलाकार मानते हैं, ठीक है, स्फेरिकल माना जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा हाइट डिस्टेंस कहां पर होता है, इक्वेटर में होता है, और पोल पे क्या होता है, कम होता है, इसको इलिप्टिकल माना गया है, ठीक है, नारंगी की तरह पूरा स्फीयर नहीं होता है। इक्वेटर क्या होता है, इक्वेटर, इक्वेटर का मतलब क्या होता है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है, और एक होता है पोल। तो इस चीज को नोट कर ले, जी का मान हम लोग ऐसे कितना पढ़े है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, SI सिस्टम में हम लोग जानते हैं ये होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या समझना है कि जी का मान, इसको नोट कर लीजिएगा, जी का मान पोल पर हमेशा कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये मान फिक्स है, हमेशा पोल पर इतना ही होता है। और इक्वेटर पे कितना होता है, अब इक्वेटर का मतलब क्या हो गया, भूमध्य रेखा, इक्वेटर पे कितना होता है, जैसे कोई वस्तु को यहाँ पर रख दिए तो कहाँ है, पोल पे है, और यहाँ पर रख देंगे तो कहाँ पर है, भूमध्य रेखा पर है। तो इक्वेटर पे कितना होता है, हमेशा जी से क्या होता है, कम होता है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, लेस देन पोल। और एक कंडीशन होता है कि यदि पृथ्वी ओमेगा वेलोसिटी से घूमती है तो उसके कारण क्या होता है, घूमने के कारण जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा। अब यहाँ पर आर क्या है, रेडियस है, और लेमडा क्या है, आपका एंगल, कि किस एंगल पर रखा गया है, इसको लैटिट्यूड बोलते हैं, लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे, किस एंगल पे किसी वस्तु को रखा गया है। तो ये तीन फार्मूला होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये घूमने के कारण होता है, ये हमारा पोल पे होता है, और कहाँ पे होता है, इक्वेटर पे होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सबसे अधिकतम, तो सबसे अधिकतम कहाँ पर होगा, पोल पर होगा, ठीक है, ऑप्शन बी पोल। ये सारा कॉन्सेप्ट आपको बहुत समझना पड़ेगा, ठीक है, ये समझ जाएंगे तो इसके बेस पे जितना भी क्वेश्चन आएगा आप कंप्लीट कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, त्रिज्या आर की एक गोलाकार कक्ष में उपग्रह की अवधि टी है, तो त्रिज्या 4R की गोलाकार कक्षा में उपग्रह की अवधि कितनी होगी। जैसे एक आपको प्लेनेट दिया गया है, उसका रेडियस कितना है, आर है,
तो टाइम पीरियड कितना होगा, टी होगा। अगर रेडियस को बढ़ाकर 4R कर दिया जाए तो टाइम पीरियड कितना होगा, ये पूछा गया है। पहला केस में हम लोग देखेंगे, केस वन, रेडियस कितना दिया गया है, R, और टाइम पीरियड कितना है, टी है, यही आपको बताया गया, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के आपको बता दिया जा रहा है। पहला केस में ये दिया गया है कि रेडियस आर होने पर टाइम पीरियड टी होता है। तो केस टू में आपको पूछा गया है कि अगर रेडियस को बढ़ाकर 4R मतलब 4 गुना कर दिया जाए तो टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड कितना होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक बात हमेशा याद करिएगा, कैपलर्स लॉ एक आता है, ठीक है, कैपलर्स लॉ। अब कैपलर्स लॉ क्या होता है, ये ग्रेविटेशनल में आपको बताया गया है कि कैपलर्स लॉ नहीं, 3 रूल दिया था, ठीक है, उसके हिसाब से ही ग्रेविटेशनल जितना भी चैप्टर है पूरा कंप्लीट है। पहला रूल क्या था कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, आर क्यू के होता है, ये आपको बताया गया था। और दूसरा नियम भी बताया गया था कि जो पृथ्वी होता है, कोई भी प्लैनेट, जैसे मान लिया जाए पृथ्वी को हम लोग सेंटर मानते हैं, मीन ये जैसे मान लिया जाए सन है, ठीक है, तो पृथ्वी क्या होता है, इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो कौन से पाथ पे चक्कर लगाते हैं, इलिप्टिकल पाथ, वहां पे बताया गया है इलिप्टिकल पाथ होता है, ठीक है, गोलीय पाथ नहीं होता है, इलिप्टिकल पाथ होता है, ऐसा पाथ बताया गया वहां पे 2 फोकस होता है, सन अगर यहाँ पे भी रह सकता है और यहाँ पे भी रह सकता है, ये केपलर्स लॉ में आपको बताया गया। तो हम लोग को ये फॉर्मूला से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या बताया गया है, टी स्क्वायर क्या होता है, आर क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये केपलर्स थर्ड लॉ है, ठीक है, ये थर्ड लॉ में आपको बताया जाता है, थर्ड लॉ। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग इसको बनाएंगे, इसको तोड़ के लिखेंगे क्या, टी स्क्वायर बराबर क्या होगा, के इंटू आर क्यू, ये लिख सकते हैं हम लोग, के क्या है, कोई कॉन्स्टेंट है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, टी वन बाई आर वन स्क्वायर क्यू बराबर टी टू का स्क्वायर बाई आर टू का क्यू। अब ये फॉर्मूला में पुट करके क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। कैसे करेंगे, टी स्क्वायर, टी वन स्क्वायर बाई टी टू स्क्वायर बराबर आर वन क्यू बाई आर टू क्यू, इसको ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो टी वन का मान कितना दिया है, टी दिया है, तो टी का स्क्वायर, यही टी टू आपको पूछा गया है तो टी टू का स्क्वायर लिख देंगे। आर वन कितना दिया है, आर दिया है, आर टू कितना दिया है, 4R दिया है, ये दोनों में क्या है, क्यूब है, तो इसका होल क्यूब हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो कितना होगा, आर आर कैंसिल हो गया, तो कितना हुआ, 1/64, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या आपका स्क्वायर है, तो स्क्वायर को अगर हम लोग कॉमन कर ले, ठीक है, तो टी टू का मान कितना निकलेगा, सॉल्व करके बताया कितना होगा, ये रूट हो जाएगा, इसको अगर हटाएंगे तो क्या होगा, रूट हो जाएगा, 1/8 मतलब 8 × t, ये हमारा मान होगा, ठीक है, टी टू का मान कितना आया, 8t। अब यहां से हम लोग देख भी सकते हैं केपलर्स लॉ क्या होता है, केपलर्स थर्ड लॉ कि टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड का स्क्वायर आर क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और आर क्या होता है कि प्लैनेट कितना दूर है, ठीक है, जैसे मान लिया जाए बीच में सन है और यहां पे पृथ्वी है अर्थ, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, वो आर होता है, कक्षीय इसको डिस्टेंस बोलते हैं, कक्षीय दूरी इसको कहा जाता है। तो टी टू बराबर क्या हुआ, 8 × t, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। यहां से भी देख सकते हैं कि अगर रेडियस को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टाइम पीरियड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ठीक है, तो पहला कंडीशन में आर दिया था तो टाइम पीरियड कितना था, टी था, दूसरा कंडीशन में 4R दिया गया मतलब रेडियस को बढ़ा दिया गया तो टाइम पीरियड आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो 8t इसका आंसर होगा, इसको नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुव के तरफ जाते हैं, बढ़ते हैं, तो जी का मान क्या होता है। अब भूमध्य रेखा मतलब क्या होता है, इक्वेटर होता है, और ध्रुव का मतलब पोल, ये आपको बता दिया गया है। तो भूमध्य रेखा से अगर ध्रुव की तरफ हम लोग मूव करेंगे तो जी का मान क्या होगा, जी का मान क्या होगा, ये क्या है, पोल है, और ये क्या है, इक्वेटर है, इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा। तो क्या हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी वस्तु को इक्वेटर से पोल की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो जी का मान क्या होगा, आपको बता दिया गया, सबसे ज्यादा जी का मान क्या कहां पर होता है, पोल पर होता है,
अब इक्वेटर पे क्या होता है, पोल से कम होता है। तो अगर इक्वेटर से पोल की तरफ हम लोग मूव करेंगे तो जी का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, इंक्रीज। अगर यही क्वेश्चन उल्टा दिया रहता कि पोल से अगर इक्वेटर की तरफ मूव करेंगे तो जी का मान क्या होगा, तब उस समय क्या होता, डिक्रीज होता। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, इंक्रीज। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द्रव का दबाव पी बराबर पी नॉट प्लस डी जी एच के रूप में दिया गया है। तो ये लॉ कौन, किसने दिया था, ये आपसे पूछा गया है। P बराबर क्या है, P नॉट प्लस डी जी एच, यहाँ पे आपको रो जी एच भी मिलता है कभी कभी देखने को। ठीक है, रो का मतलब होता है डेंसिटी, डी, यहाँ पे डी का मतलब भी क्या है, डेंसिटी बताया गया है। तो ये लॉ किसने दिया था, पास्कल लॉ ने दिया था, पास्कल लॉ। ठीक है, ये क्या होता है कि किसी भी वस्तु का प्रेशर टोटल कितना होता है, P नॉट मतलब एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच के योग के बराबर होता है, ये बताया गया है। जैसे मान लिया जाए ये हमारा कोई लिक्विड है, ठीक है, बीच में यहाँ पे कोई वस्तु है, इसमें कितना प्रेशर काम करता है, अगर ये एच हाइट पे हो तो डी जी एच इतना प्रेशर काम करता है। अगर पहले से एटमोस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा हो उस पर तो कितना हो जाएगा, पी प्लस डी जी एच। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, पास्कल लॉ, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, पास्कल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक नैनोमीटर के बराबर होता है, वन नैनोमीटर इज इक्वल टू, एक नैनोमीटर कितने का बराबर होगा। तो ऑप्शन हम लोग चेक करेंगे, मीटर में दिया गया है कि सेंटीमीटर में दिया गया है, यहां पे ऑप्शन आपको सेंटीमीटर में दिया गया है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, एक नैनोमीटर, तो एक नैनोमीटर में कितना मीटर होता है, 10^-9 मीटर, ये आपको होता है, एक नैनोमीटर में 10^-9 मीटर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया गया, सेंटीमीटर में बनाना है, तो 10^-9 इंटू सेंटीमीटर में कैसे बनाते हैं, मीटर से सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से गुना करते हैं, मतलब 10^2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन गया सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 10^-2 प्लस -9 प्लस 2, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 10^-7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर चेक करेंगे, ऑप्शन ए में दिया गया है, ठीक है, 10^-7 सेंटीमीटर, इसको नोट कर ले। अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको बहुत इजी वे से हम लोग बना सकते हैं, लेकिन समझना पड़ेगा पहले। क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान सबसे ज्यादा होता है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, जो पहले दिया गया था, लेकिन कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा कि जी का मान सबसे ज्यादा कहां पर होगा। यहां पर ऑन द टॉप माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, पहला ऑप्शन क्या दिया, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, दूसरा क्या दिया है, कुतुब मीनार के ऊपर, तीसरा भूमध्य रेखा पर, और चौथा क्या दिया है, अंटार्कटिका में एक सिविल स्तर पर। तो कैसे समझेंगे, पोल हम लोग पढ़े भी है ज्योग्राफी में, भूगोल में पढ़े हैं कि पोल क्या होता है, अंटार्कटिका जो है, अंटार्कटिका वो पोल के तरफ पाया जाता है, ठीक है, वहां पर स्थित है। तो सबसे ज्यादा कहां पर होगा, डी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी कक्ष की त्रिज्या वर्तमान मूल्य का 1/4 हो जाए तो एक वर्ष का विचलन कितना होगा। सेम क्वेश्चन जो पहले क्वेश्चन आपको बताया गया था कि अगर रेडियस को घटाकर 1/4 कर दिया जाए तो टाइम पीरियड कितना होगा। क्वेश्चन 434 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पहले रेडियस क्या था, आर था, आर से घटाकर क्या किया गया है, r/4 कर दिया गया है। क्वेश्चन को बहुत अच्छा से समझना है, यदि पृथ्वी की कक्षा की त्रिज्या वर्तमान मूल्य का 1/4 हो जाए, मतलब पहले मान लिया जाए रेडियस कितना था, आर था, अब घटाकर कितना हो गया, r/4, तो टाइम पीरियड हमारा कितना होगा। ठीक है, तो पहले मानते हैं टी था, तो अब कितना होगा, तो वही फार्मूला टी स्क्वायर बराबर ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे तो हमारा क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, रेडियस घटा है, इसका मतलब टाइम पीरियड भी क्या होगा, घटेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके बताया कितना आएगा आंसर,
434 नंबर, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्या दिया है, तो T1 by T2 का होल स्क्वायर बराबर R1 by R2 का होल क्यूब। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, T2 पूछा गया है, T1 by T2 बराबर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, R1 मान लिया जाए R था, R2 कितना है R by 4, इसको हम लोग 3 by 2 लिख सकते हैं, ये स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो 4 का पावर 3/2 कितना आएगा, 8, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 आएगा, कैसे आएगा, 4 का पावर 3/2 है तो √4 ऐसे लिख सकते हैं। अब ये कितना होता है, 64 होता है, तो 64 का रूट कितना होता है, 8 होता है, तो कितना हो गया, 8 टाइम घट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे और हाँ, बहुत इसमें क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये नहीं पूछा गया है कि टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, ऐसा टाइम पीरियड कितना होगा, T/8 ये टाइम पीरियड होगा, ठीक है, एक्चुअल में क्या होगा, टाइम पीरियड घट जाएगा तो कितना होगा, T/8 होगा, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि कितना से घट जाएगा, तो कितना से घट जाएगा, 8 गुना से घट जाएगा, ठीक है, ये नहीं पूछा गया कि कितना होगा, होगा तो T/8, लेकिन कितना से घट जाएगा, कितना से विचलित हो जाएगा, 8 गुना घट जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ऑप्शन ए, 8 टाइम्स 8 गुना क्या होगा, घट जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि पृथ्वी को घूमना बंद कर दे तो जी का मान कितना होगा, यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो जी का मान कितना होगा, ऑप्शन क्या दिया गया है, इंक्रीज बढ़ जाएगा या घट जाएगा या पहले की तरह सेम रहेगा या जीरो हो जाएगा। तो यदि पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी के घूमने के कारण जी का मान आपको बताया गया था कितना होता है, घूमने के कारण G − ω² R cos² λ, ये आपको बताया गया है, ठीक है, पिछला क्वेश्चन में आपको नोट करा दिया गया था, इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन था। तो जब पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो ओमेगा क्या होगा, जब कोई भी वस्तु मूव नहीं करेगी तो वेलोसिटी कितना होता है, जीरो होता है, तो ओमेगा अगर हम लोग जीरो बैठा दें तो जी का मान कितना आएगा, जी माइनस, ये तो जीरो हो गया, जब ये जीरो हो जाएगा तो ये सारा भी क्या होगा, गुना होके पूरा जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो गया, तो बचा क्या, G′ = G, मतलब क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, इंक्रीज, इंक्रीज बढ़ गया, ठीक है, क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा।